चलते हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। सहमत हूं कि ये राष्ट्रपति जी का जो संदेश है वो ठीक है, लेकिन देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, उनके कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही, और यहां तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता हूं, आप निकाल दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, माननीय खड़गे जी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता के अलावा भी आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपने जो अभी कहा कि नाम भी ले दिया और कहा कि नाम मत लीजिए, विड्रॉ कर दो, नहीं विड्रॉ कर दो, आई थिंक इट गोज फॉर रिग्रेट। आई एक्सप्रेस माय रिग्रेट दैट सच एन ऑब्जर्वेशन हैज बीन इंपार्टेड इन दिस ऑफिस हाउस, प्लीज कंटिन्यू। नो, प्रमोद तिवारी जी, द ऑनरेबल एलओपी हिमसेल्फ हैज फेल्ट इट, प्लीज, इट इज रिग्रेटेबल। आई एम यूजिंग माइल्ड वर्ड। और कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहाँ बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया, गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कंटिन्यू, कंटिन्यू। सभापति जी, अभी भी सामाजिक न्याय के विपरीत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकना जरूरी है, और इसके लिए हम सबको भी मेहनत करना पड़ेगा। सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में है, ऐसी पार्टी भी सदन में है, इसीलिए आपको इससे इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है, इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चलकर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सर, सभापति जी, बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है, पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था, और आज अब डेमोक्रेटी की बात करते हो,
डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक कर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। लेकिन मैं, अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में, सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और इसकी मूर्ति जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी। सर, मैं अभी स्टूडेंट्स था उस वक्त, हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेता जी, सुनिए, देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू, नो प्लीज नो, किसी नो Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो, LOP नंबर एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, yielded टू सी व्हाट द चेयरमैन हैज टू से, एंड हिज मेंबर्स आर अप ऑन द सीट। कहां जा रहे? प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said.
यू डोंट अलाउ चेयरमैन टू से व्हाट काइंड ऑफ अनार्की यू आर एंगेज. ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैड द प्रिविलेज, आई हैड द डिस्टिंग्विश्ड ऑनर एट द इनविटेशन, लिसन टू इट, एट द इनविटेशन ऑफ द स्पीकर लोकसभा टू इनोग्रेट प्रेरणा स्थल. आई वॉज देयर, आई सो द लोकेशन, आई सो द सिचुएशन. आई वुड अर्ज द ऑनरेबल मेंबर्स बिफोर मेकिंग अ कमेंट इज फेयर टाइम टू गो देयर, फाइंड आउट इट्स सिचुएशन लोकेशन, हाउ एडवांटेजियस इट इज, हाउ वेल इट हैज बीन डन, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मेथोडिकल मैनर, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore, this has been done. Criticism for the sake of criticism can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir, please. you are sitting on your seat and still speaking. Shakti Singh, perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP when, again. May I request the LOP to control his people first? Sir, they are under your control. Under my control? I'll do. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. Okay. ये पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा कि आप मुझे address कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने, सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना, ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2,000-3,000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं, सुने, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इनो नहीं थे, उस वक्त तो 8-8 दिन की सजा हो गई, और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए. तो ये साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, ए चुप बैठो, क्या भाई, ये दही दूध ऑनरेबल एलओपी इज ऑन इट्स वे, कीप काम सर. तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील करूँ, बार बार अपील करूंगा. और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो. अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ SC ST दलित वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा. तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर वो आप वहां पर रखिए. और
और सर मैं छोटा सा किरण जी वन सेकंड। सर नहीं ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए कमेटी होती है, और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं, और किस जगह पे बिठाना कैसे बगैर वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं कुछ नहीं, ये अथॉरिटी एंड रूल के जैसा, कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिनिस्टर जी, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। ये खड़गिया जी, व्हाट इज इट, कम ऑन, कम मेक योर पॉइंट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, नथिंग एज यू गोइंग टू ये किरण जी, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। जब जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए। ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस, व्हेन लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर लीडर ऑफ अपोजिशन एक आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे You are forcing me to name you people. I have given him permission. And let me tell you. One second. Take your seat. Sir. Kiran ji, take your seat. Honorable members, when there is a debate in the house, the debate has to be lively. The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second. You don't have to decide. I am the judge of it. अभी माननीय खड़गे जी